बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन टेक ब्लॉग एंड आई एम योर होस्ट मोहम्मद उसामा शर्मा। और आज हम आपके लिए लैपटॉप का रिव्यू लेकर आए हैं, उसके छोटे साइज़ के लैपटॉप का। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपनी जो है वीडियोस के अंदर उसका ब्लॉग का बनाया था, जिसमें हमने उसकी डिटेल सारी की सारी बताई थी। यूनिक प्रोडक्ट है, इस वजह से यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि मार्केट के अंदर अवेलेबल इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट आपको एज़ यूजल पता है कि डेल और एचपी के लैपटॉप्स की जो है वो मार्केट है। यहाँ पर डेल और एचपी के लैपटॉप्स की लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड्स की। तो तोशीबा वगैरह भी है, लेकिन उसके भी इतने ज़्यादा मार्केट में नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर डेल एचपी के लोग जो है वो डिमांड करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा लैपटॉप का रिव्यू करने आ रहे हैं। फुजित्सू का ये लैपटॉप है, लाइव बुक i5 6th जनरेशन की मशीन है, और उसके अलावा 15.6 इंच न्यूमेरिक पैड के साथ ये मशीन है। जैसे कि आपने हमारी इससे पहले हमने जो फुजित्सू की लाइव बुक की जो मशीन का रिव्यू किया था, उसके अंदर वो भी i5 6th जनरेशन थी, लेकिन वो 14 इंच के अंदर थी। ये मशीन 15.6 इंच के अंदर है, वो ब्लैक कलर सिल्वर कलर के अंदर थी, और ये आप देखेंगे टोटली जो है वो ब्लैक कलर है। टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप आप देख सकते हैं कि इसका टोटली जो है वो ब्लैक कलर का है, और जो है आपको साउंड से आइडिया हो रहा होगा कि ये बहुत जो है ना उभरे उभरे से आप जैसे डॉट डॉट्स वाली फीलिंग इसके अंदर आ रही है। और उसके अलावा इन्होंने फुजित्सू का ये ब्रांड का लोगो जो है वो ब्रांडिंग हुई हुई है। बॉर्डर अगर देखें तो बॉर्डर इसको इन्होंने जो है वो रेड जो है फुजित्सू के लैपटॉप के जो है बॉर्डर जो है वो हमेशा खूबसूरत से इन्होंने एक स्ट्रिप बनाई हुई है रेड कलर की, कलरफुल शो करने के लिए लैपटॉप को। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड भी इसका टोटली प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं। हीट ट्रांसमिट के लिए डक बनाई हुई है, रैम स्लॉट है, हार्ड ड्राइव स्लॉट है, डीवीडी रोम है, और उसके अलावा जो है बैटरी है इसकी। मॉडल नंबर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लिखा हुआ है, फुजित्सू लाइव बुक e556 i5 6th जनरेशन है। अच्छा, वीडियो को मुकम्मल हमारा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी प्राइसिंग, इसका वेट और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको पता चल सकें। बार बार हम लोग अपनी वीडियो में ये बात आपको हर लैपटॉप के ऊपर ये ज़रूर कहते हैं कि जानदार लैपटॉप है, अच्छा लैपटॉप है। उसकी वजह ये कि हमारे पर्सनल तौर के ऊपर ये चेक किए गए हुए लैपटॉप हैं सारे के सारे, और प्लस दूसरा ये कि हम उन्हीं लैपटॉप्स की वीडियो के रिव्यू करते हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हैं, ना कि उन लैपटॉप का जो ईजिली तौर के ऊपर मार्केट में अवेलेबल हों और जिनकी परफॉर्मेंस में जो है आपको मज़ा ना आए, जिसमें काम करने में आपको प्रॉब्लम हो, उन लैपटॉप्स के रिव्यू करने को हम अवॉइड करते हैं। हम उन्हीं लैपटॉप के रिव्यू करते हैं जो आप लें तो आपको लेने के बाद आपको अफसोस ना हो और आपको मतलब परफॉर्मेंस जो है वो फुली प्रोवाइड करें। अंदर की अगर इसकी हम बात करें तो अंदर आप देखेंगे तो इसका जो है 15.6 इंच का मैट डिस्प्ले है इसका, विद 720p रेजोल्यूशन के साथ कैमरा है। बॉटम की बात करें तो बॉटम भी टोटली प्लास्टिक है, खूबसूरत सी लाइनिंग है, उभरी हुई सी हैं, और रेड कलर की जो फुजित्सू के लैपटॉप में जो उन्होंने शिप ली होती है खूबसूरती के लिए। i5 6th जनरेशन के प्रोसेसर के स्टिकर की ब्रांडिंग हुई हुई है। ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड के साथ ही राइट लेफ्ट बटन है इन्होंने दिए हैं, और उसके अलावा जो है न्यूमेरिक पैड के साथ कीबोर्ड है, पावर ऑन बटन है, इको मोड है तो बैटरी का बैकअप अच्छा होगा, वाईफाई का बटन दिया हुआ है और मिनी माउस का ऑप्शन है। पोर्ट्स की अगर हम बात करें लेफ्ट साइड्स की, तो लेफ्ट साइड्स की अगर हम पोर्ट देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट है डक दी हुए हीट ट्रांसमिट बाहर कन फेंकने के लिए, और उसके अलावा ईथरनेट पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है, डी पोर्ट है एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए, उसके अलावा 3.0 यूएसबी पोर्ट है और एसडी कार्ड स्लॉट है। राइट साइड्स की अगर हम पोर्ट की बात करें तो राइट साइड के ऊपर हेडफोन जैक है, ऑडियो आउटपुट पोर्ट है, उसके अलावा स्पीकर के लिए प्लस डीवीडी रोम है, 2 3.0 यूएसबी पोर्ट है, और इसके अलावा लॉकिंग सिस्टम है। इंटरनल की आपको स्पेसिफिकेशन की इसकी बात बताते हैं हमें, मशीन ऑन है ताकि फौरन आपको इसकी स्पेसिफिकेशन इजीली तौर पर बता सके। इंटेल i5 6200U सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है, डुअल कोर प्रोसेसर है, 2.3 GHz 8 GB LPDDR4 टेक्नोलॉजी की इसमें रैम लगी हुई है, और इसके अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो 256 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव 2.5, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको हार्ड ड्राइव का डिफरेंशिएट भी बता चुके हैं। अगर नहीं है तो आप हमारे लिंक में जाके, वीडियोस में जाके चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं हार्ड ड्राइव के डिफरेंस का। तो ये 256 GB 2.5 नॉर्मल SSD इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्पीड जो है वो बूस्टअप हो जाती है। वेट के हवाले से बात करते हैं इसके मशीन का, कि वेट कितना है, वेट भी हम आपको बताएंगे और साथ साथ प्राइसिंग भी बताएंगे।
प्राइजिंग अगर हम बताते चलें तो प्राइजिंग इस मशीन की जो है 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ 15.6 इंच न्यूमेरिक पैड के साथ मशीन आपको यह मशीन पड़ेगी 42,000 की। एज़ कम्पेयर टू अगर डेल एच पी के यही मशीन अगर आप डेल एच पी में 15.6 इंच और सेम स्पेक्स में रैम और हार्ड ड्राइव के साथ अगर आप लेना जाएंगे तो वो मशीन तकरीबन 55,000 के, जिसके हम प्रीवियसली रिव्यू कर चुके हैं। लेकिन ये मशीन क्योंकि फिजिट्सू की है तो इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, तो इसके प्राइस कम है, 42,000 के इसके प्राइस हैं। वेट मशीन हमारी रेडी है, वेट मशीन से वेट करते हैं इसका, आपको बताते हैं। 2165 ग्राम 2165 ग्राम है, तकरीबन 2.16 kg इसका वेट है, 15.6 इंच की मशीन है, डीवीडी रोम भी साथ है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो इस वजह से लिथियम आयन बैटरी नहीं, नॉर्मल बैटरी लगी, लेकिन बैटरी का बैकअप अच्छा होता है, इस वजह से इसका जो है वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है आप इसको कैरी कर सकते हैं इजीली तौर पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और हमारा जो फेसबुक के ऊपर जो पेज है वो नेक्स्ट जेन टेक के नाम से है, और इंस्टाग्राम के ऊपर नेक्स्ट जेन_टेक के नाम से। इसी के साथ आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।